सो आज हम लोग एनिमल किंगडम को याद करने की ट्रिक देखेंगे इसके। सो गाइस, पहले हम लोग ये याद कर लेंगे कि फाइलम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि इनमें जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाती हैं वैसे वैसे ही ये हैं ऑर्डर में। की ट्रिक है प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथोनी फॉर मिस बिहेविंग एन हिस्ट्री क्लास। सो प्रिंसिपल हो जाएगा वारीफेरा के लिए, कॉल्ड हो जाएगा सिलेंट्रटा के लिए, टू हो जाएगा टीनोफोरा के लिए, पनिश हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथस के लिए, अमर हो जाएगा एस्केलमिंथस के लिए, अकबर हो जाएगा एनिलिडा के लिए, एंथोनी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के लिए, मिस बिहेविंग हो जाएगा मॉलस्का के लिए, एन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा के लिए, हिस्ट्री हो जाएगी हेमिकॉर्डेटा के लिए, क्लास हो जाएगा कॉर्डेटा के लिए। एंड इसमें अब देखते हैं कि किसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है एंड किसमें टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम। सो फर्स्ट यानी कि पॉरीफेरा, सिर्फ पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये दो में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद प्लेटीहेलमिंथस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एंड उसके बाद जितने आएंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। सो सिमेट्री को याद करने की ट्रिक देखते हैं। सो रेडियल सिमेट्री की ट्रिक है रेडियस सर्कल एग्जाम। सो रेडियस से हो जाएगा रेडियल, सर्कल से हो जाएगा निरेरिया टीनोफोरा, एग्जाम से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। एंड बाकी जितने बच रहे हैं सब बायलेटरल सिमेट्री हैं, स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन किसमें किसमें है। सो उसकी ट्रिक है अनार को सेगमेंटेड, यानी कि अनार को सेगमेंट कर दो। अनार का एन हो जाएगा एनिलिडा के लिए, ए आर, आर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के लिए, को हो जाएगा कॉर्डेटा के लिए, सेगमेंटेड हो जाएगा सेगमेंटेशन के लिए। अब बात करते हैं सिलोम की, एस्केलमिंथस स्यूडोसिलोमेट होते हैं। सो इसकी ट्रिक है आस्क स्यूडो, स्यूडो मतलब झूठा होता है। सो आस्क स्यूडो, आस्क का हो जाएगा एस्केलमिंथस, स्यूडो का हो जाएगा स्यूडोसिलोमेट। सो स्यूडोसिलोमेट से ऊपर जितने हैं फाइलम उन सब में सिलोम अब्जेंट है, इसका मतलब ए सिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट से, स्यूडोसिलोमेट से नीचे जितने भी हैं फाइलम उन सब में सिलोम प्रेजेंट है, इसका मतलब सिलोमेट है। एंड सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा की ट्रिक है सिफेलो, सिफेलो मतलब ब्रेन होता है। सो ब्रेन मतलब ब्रांकियोस्टोमा, सिफेलो ब्रेन, सिफेलो मतलब सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रेन मतलब ब्रांकियोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा की ट्रिक है साइक्लोन मिक्सेज पार्टिकल्स, साइक्लोन हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा के लिए, मिक्सेज हो जाएगा माइक्सिन के लिए, पार्टिकल्स हो जाएगा पेट्रोमाइजन के लिए। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया। सो इसकी ट्रिक है सेस, एस हो जाएगा साइकन के लिए, ई हो जाएगा यू स्पॉन्जिया के लिए, एस हो जाएगा स्पॉन्जिला के लिए। एंड सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है पापा गुड मॉर्निंग, तो पी हो जाएगा फाइसेलिया पोर्चुगिस मैन ऑफ वॉर के लिए, ए हो जाएगा एडम्सिया सी एनेमन के लिए, पी हो जाएगा पेनाट्यूला सी पेन के लिए, गुड हो जाएगा गॉर्गोनिया सी फैन के लिए, मॉर्निंग हो जाएगा मेंड्रीना ब्रेन कॉरल के लिए। इसमें मेटाजेनेसिस होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। सो इसमें पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप्स सेक्सुअली। सो इसकी ट्रिक है पीएम एसेक्सुअली। सो पी हो जाएगा पॉलिप्स के लिए, एम हो जाएगा मेड्यूसा के लिए, एसेक्सुअली हो जाएगा एसेक्सुअली के लिए। सो इसका मतलब पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। एंड फाइलम टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं पीसी, सो पी हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया के लिए, सी हो जाएगा टीनोप्लाना के लिए। प्लेटीहेलमिंथस के एग्जाम्पल्स की ट्रिक है टीना फ्लाई प्लेन, सो टीना हो जाएगा टीनिया के लिए, फ्लाई हो जाएगा फैसियोला के लिए, प्लेन हो जाएगा प्लेनेरिया के लिए। एंड एस्केलमिंथस के एग्जाम्पल्स की ट्रिक है वाह वाह, सो W हो जाएगा गुजरेरिया के लिए, A हो जाएगा एस्केरिस के लिए, A हो जाएगा एंकाइलोस्टोमा के लिए। एनिलिडा के एग्जाम्पल्स की ट्रिक है आयन नर फेरे नारी, आयन हो जाएगा एनिलिडा के लिए, नर हो जाएगा नेरिस के लिए, फेरे हो जाएगा फेरेटिमा के लिए, नारी हो जाएगा हिरियोडिनेरिया के लिए। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स की ट्रिक है इनमें जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स हैं उसकी ट्रिक है लैब,
एल हो जाएगा लाइसिफर के लिए, ए हो जाएगा एपिस के लिए, बी हो जाएगा बॉम्बिक्स के लिए, एंड विक्टर्स जो हैं उसकी ट्रिक है एन एक्स एडीज, एन हो जाएगा एनोफिलीज के लिए, एक्स हो जाएगा क्यूलेक्स के लिए, एडीज हो जाएगा एडीज के लिए। साइनोडर्मिटा के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है ए सी ई ओ, ए हो जाएगा एसेंट एंटेडन के लिए, सी हो जाएगा क्यूकुमेरिया के लिए, ई हो जाएगा इकाइनस के लिए, ओ हो जाएगा ऑफ्यूरा के लिए। ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, सो हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है ह्यूमन बालों सरसों, सो ह्यूमन हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा के लिए, बालों हो जाएगा बेलेनोग्लासेस के लिए, सरसों हो जाएगा साइकोग्लासेस के लिए। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल तक रहती है एंड सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल तक रहती है, सो इसमें हम लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाती है, सो इसकी ट्रिक है यूरोकॉर्डेटा मतलब टेल, सो इसका मतलब इसमें सिर्फ टेल तक रहेगी, एंड सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब हेड, सो हेड टू टेल पूरा रहेगा, सो सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। सो हो गई कंफ्यूजन दूर, एंड यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है डासू, सो डी हो जाएगा डॉल्यूलम के लिए, ए हो जाएगा एसिडिया के लिए, एस हो जाएगा सैल्पा के लिए, यू हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा के लिए। फैलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सेज और लांसलेट। सिफेलो मतलब ब्रेन, सो सिफेलो हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा के लिए, ब्रेन हो जाएगा ब्रोंकियोस्टोमा के लिए। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, सो इसकी ट्रिक है एलसीआरटी, एल हो जाएगा लोकोमोशन के लिए, सी हो जाएगा कैप्चर के लिए, टी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए, आर हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। डर्मिटा में एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बट लार्वे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सो इसकी ट्रिक है एरा, सो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा के लिए, आर हो जाएगा रेडियली सिमेट्रिकल के लिए, ए हो जाएगा एडल्ट के लिए, सो इसका मतलब एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं इकाइनोडर्मेटा में। कॉन्ड्रिकथाइस में आते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में टॉर्पीडो होते हैं, पॉइजन स्टिंग में ट्राइगन होते हैं, सो इनमें कन्फ्यूजन रहती है, सो इसकी ट्रिक है इसमें देखिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो पॉइजन स्टिंग ट्राइगन, सो इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, सो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि पॉइजन स्टिंग में ट्राइगन है ना कि टॉर्पीडो है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें होती है, सो इसकी ट्रिक है ए सी में है सीईओ, सो ए हो जाएगा एम्फीबियंस के लिए, सी हो जाएगा सिलेंट्रेटा के लिए, एच हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा के लिए, सी हो जाएगा टीनोफोरा के लिए, ई हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा के लिए, ओ हो जाएगा ऑस्टिकथाइस के लिए। अमोनोटेलिक की ट्रिक है ब्लड फ्लोविंग अक्रॉस ऑल इंडिया, सो ब्लड फ्लोविंग हो जाएगा बोनी फिशेज के लिए, अक्रॉस ऑल हो जाएगा एक्वेटिक एम्फीबियंस के लिए, इंडिया हो जाएगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स के लिए। सो गाइस एनिमल किंगडम के चैप्टर की पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई।